भाई साहब, शहर बहुत बढ़ गए आजकल हैं। हाँ काका, अब आदमी बड़े हैं तो जरूरत भी बड़े है। देख तो बस, आज मौसम कितना बढ़िया है। बाहर खुली हवा में आते ही एकदम तंदुरुस्ती महसूस हो रही है। लगता है अठे वाले वैद्य के इलाज से फर्क जरूर पड़ेगा। सब उमा शंकर जी की कृपा से होगा बाबा साहब, अब सब उन्हीं के भरोसे है। रे छोरा, तू कब से धार्मिक हो गया? भगवान को नाम लेना शुरू कर दियो। भावो, उमा शंकर जी उस वैद्य का नाम है जिनके पास हम आए हैं। तारी भावो जो है, उमा शंकर ने तो वो भगवान को ही समझ रही थी। बोल लिया हा? बीच में बोलना जरूरी है? पतो चाल गयो मालिक को। अब मेरा और तुम्हारा पलड़ा बराबर हो गया है। हाँ, कम से कम इस समय तो यही स्थिति। तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। परछाई इंसान के शरीर का हिस्सा होती है, हमेशा साथ चलना उसकी नियति है, तो फिर ये अपराध कैसा? और वैसे भी मैं तुम्हारी जासूसी करने नहीं आया, बस ये बताने आया हूँ कि हम इच्छा पूर्ति मंदिर जा रहे हैं। मेरी अगली परीक्षा के लिए? नहीं बीनी सर, आपने इतना स्वादिष्ट शक्कर रोटी नहीं बनाया, बल्कि कौशल्या जीजी के हाथों का स्वाद फिर से जिंदा कर दिया। थे उमा की खातिर मन से मेहनत कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि इस रिश्ते को इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ के इस मंदिर में मन से जो मांगो वो मिलेगा। मैं तो बस इतना ही चाहूँ कि जो रिश्ता इतने उतार चढ़ाव के बाद भी अपने पैरों पे खड़ा है, उसकी अग्नि परीक्षा खत्म हो जाए। हाँ बिन्नी सर, एक बात का ध्यान रखना, कल पूरी मर्यादा के साथ लंबा घूंघट करके चलना। जोड़े से इच्छा पूर्ति मंदिर में जाने का यही रिवाज है। पर मासी सा, मैं लंबे घूंघट में कैसे चलूंगी? उमा है ना थारे साथ, थारा मार्गदर्शन करेगा। उमा के होते कैसी चिंता। ठीक है, तुम ठीक हो? हाँ। लाओ हाथ। ये डाकू सिंह खुद ही ले आया यहाँ, ऐसे घूंघट में तिजोरी की तरह बांध के अब बड़ा मदद का हाथ बढ़ा रहा है। नहीं, इसे पकड़ो। नहीं बिंदी साए, घूंघट में उलझ कर हाथ पैर तोड़ने से अच्छा है मदद ले लो, कुछ घट को नहीं जावेगा। नहीं मासी सा, मैं संभाल लूंगी। मासी सा, मेरी मदद की बात नहीं कर रहे हैं, वो इस छड़ी की बात कर रहे हैं। छड़ी? चलो।
दिन तन्ने मानना पड़ेगा बिन्नी साहब। मारा उमा वो उजाला है जो अंधेरे में भूले भटकों को राह दिखावे है। एक लाइन और ऐड कर दीजिए मासी साहब कि उस अंधकार में फंसता भी आपका उमा शंकर ही है। विलन में कभी कभी दिखावे के लिए साधु सन्यासी की आत्मा आ जाती है बस। संध्या जी, मैं आगे रास्ता सही करते हुए जाता हूँ, आप बस मेरे पीछे पीछे ध्यान से चलते रहिए। सूरज और संध्या बीनी की झलक दिखाई दी। आप दोनों के साथ घूमने का एक तो फायदा है कि मम्मी और पापा के बारे में जानने को मिल जाता है। आप दोनों की दुनिया के रोम रोम में बसे हैं ना। लगता है आपके भी कोई अपने बिछड़े हैं। पापा, ये इच्छा पूर्ति मंदिर है, यहाँ की बड़ी मानता है, यहाँ पे सच्चे मन से जो मांगो वो मिलता है, बिछड़े हुए भी मिल जाते हैं। मैं तो अपने आप से बिछड़ गई हूँ रे भाया। मारे सूरज और संध्या बिनी के गए, जैसे वो मारे को अपने साथ ही ले गए। क्या भावुक, अपने लिए नहीं तो कम से कम इस जवान पोते पर तो दया करो, मेरे लिए कुछ मांग लेना। अरे मां, हाँ क्यों बाबा, छोरा मारे को पता तो होना चाहे कि थारे वास्ते के मांगू। भाबो, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें और आपके सुंदर सुशील संस्कारी टाइप पोते के लिए सुंदर सी बहू मांग लेना।
अच्छा ऊंचे ऊंचे सैंडल वाली, ये बड़े बड़े नाखून, और जब वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आएगी और आपको क्या बोलेगी? हे बाबू, व्हाट्स अप? अच्छा अच्छा एक बात बता मारे को, अगर मैं ही थारे वास्ते मांगूंगी तो तू अपने वास्ते के मांगेगा? हाँ बोल। मांगूंगा ना कि मेरी बहन जल्दी से घर आ जाए अपने पति देव के साथ। एक मिनट रुकिए, ये लीजिए। सदा स्वागत रहे, जोड़ी सलामत रहे। तने दान दक्षिणा देकर ग्रह लक्ष्मी का धर्म निभा दिया, पर एक और धर्म हुए, अपने पति के धन की सहजता से बचत करना। जी मासी साहब, मैं जानती हूँ, रूपेशु लक्ष्मी। ये मेरा अगला टेस्ट है। बिल्कुल सही समझा तुम। वैसे उमा, अब समय हो गया है इस 9 साल पुराने कुत्ते को विदा दे दो। कुमकुम भी लग गया अब तो। मासी साहब, कुमकुम ही तो लगा, उतर जाए। और फिर इसमें इस कुर्ते का क्या दोष जो मैं इसे त्याग दूं? 9 साल से चला आ रहा है ये कुर्ता, बाप रे, ऐसे तो 5 कुर्तों में पूरी लाइफ निकाल देगा ये आदमी। साइकिल पर चलता है, टीवी मोबाइल से परहेज रखता है, खाना साधु सन्यासियों वाला खाता है, नशे पते की कोई लत नहीं। इस कंजूस मक्खी चूस को बचत से इंप्रेस करने का टेस्ट कहाँ बचाऊंगी जब खर्चा करने की जगह ही नहीं है? फिर तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। चलिए चलो। जल्ले भाया, चलो। हाँ हाँ दादी, दादी हमें भी दोनों पैसे, भूख लगी है। हाँ हाँ रुको रुको, जे 100 रुपया है, जाकर के ना समोसा खा लियो, और हाँ दूसरे टाबरा ने भी दे दे। हाँ ले जाए। अरे और लोगों ने भी समोसा खिलाए। हाँ दादी। टाबर भाबो, यहाँ आपने बिना सोचे बच्चों को 100 रुपए दे दिए, पर ऐसे तो अभी आप ऑटो वाले से बहस करने लगी कि इतनी सी दूर का इतना दूंगी, और वहाँ हनुमान गली में 5-10 रुपए के लिए मोल भाव करते हो। अरे रद्दी वाले से तो दुश्मनी पाले बैठी है। हा? मोल भाव में घंटों लगा देवे। रे मारा राम जी। रे बंस, थारे बाबा साने कह दे के इन्हें ना अच्छे से दिखाई को नहीं देवे। वंश बेटा, जरा याद दिला अपनी भाभो को, मारी आंखें बिल्कुल ठीक है, अटे हम मारी याददाश्त का इलाज कराने आए हैं, आंखों का कोणी। जरूरत नहीं है, आप दोनों सुन रहे हो एक दूसरे की बात? हाँ सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं अच्छी तरह से। पर बाबू, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन से?
वैसे बचत करते हो और अभी सीधा 100 रुपए पकड़ा दिए। देख आदर्श, ग्रह लक्ष्मी ने ना घर चलाते समय खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कद मुट्ठी बंद करनी चाहिए और कद दिल ने खोल लो चाहिए। अठे बिना मैंने घाटे का सौदा ना किया है। अरे 100 रुपया दे करके ना भूखों का पेट भरा है और बदले में अठिया भूखों का पेट भरेगा और करोड़ों का आशीष देंगे। समझा? अरे मारो। अरे एक सेकंड, अरे बाबू क्या कर रही है? 100 रुपए के लिए कहाँ जा रहे हो अभी? समझ लेना, किसी भूखे का पेट भर जाएगा बस। हा? और करोड़ों का आशीष मिलेगा जी। मारी नकल करे तो रुक रुक मारी। अरे चलो मारी। अरे लेट जाएंगे ऊपर बाबू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।